नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिक विकेरा चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं BSF हेड कांस्टेबल ROR 2020। आज की वीडियो में काफ़ी खास बात आपको बताने वाले हैं। पोस्ट व्यूज अनुसार फुल एनालिसिस के साथ आपको बताने वाले हैं कि वैकेंसी यहां पर पूरी होने के चांस नहीं लगते 100%। तो फ्रेंड्स किस तरीके से नहीं लगते हमें, और यहाँ पर कट ऑफ कम होने पर भी सलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो में पूरी क्लियरिटी देने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनता है, प्लस आज इनसे जुड़ जाए। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात आपको बता देते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स जो बच्चे हमारे CSF हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आज हमारे चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि हम यहाँ पर पूर्ण रूप से मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। 1 से 2 दिन में यहाँ पर क्लास शुरू होने जा रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कल हमने देर रात को ट्रिक वीक राजा पर एक पोस्ट डाली थी 13 घंटे पहले, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसमें क्या पूछा गया था कि ऑल माई डियर फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट BSF हेड कांस्टेबल ROR का एग्ज़ाम दिया है, सभी अपना एग्ज़ाम का लेवल जरूर बताए, इंग्लिश मीडियम में था या फिर हिंदी मीडियम में, और जिससे क्लियरिटी निकालनी है बस वोट दे दीजिए, और जिससे पता लग जाएगी कितने स्टूडेंट यहाँ पर डाउट में हैं। तो फ्रेंड्स इस पोस्ट के अनुसार यहाँ पर क्या प्रोसीज निकल कर आई है, तो देख लीजिए यहाँ पर। यानी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो डाउट में है वो 38% है, कहने का मतलब 40% के अप्रोक्स यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले डाउट में बने हुए हैं, ठीक है। और हिंदी मीडियम क्लियर, जिन्होंने हिंदी मीडियम का क्लियर किया हुआ है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 20% के अप्रोक्स यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम डाउट में कितने हैं, 6%। लेकिन फ्रेंड्स यदि इन्होंने 120 प्लस किया है और 130 प्लस किया है तब डाउट में है, तो फ्रेंड्स कट नंबर कट होने के साथ साथ यहाँ पर 80 से और 100 के बीच में इनके आ जाएंगे, तो कहने का मतलब काफ़ी अच्छे चांस यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम क्लियर, तो इंग्लिश मीडियम वाले कितने बच्चे हैं, इनके 36% यहाँ पर बच्चे बने हैं फ्रेंड्स, और इसके बाद यहाँ पर 200 वोट पड़े हैं, ठीक है। लाइक और डिसलाइक से कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर केवल मतलब है आपको क्लियरिटी देने से, ठीक है। यानी कि तो फ्रेंड्स यहाँ पर 40% जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम के डाउट में, तो फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं यहाँ पर डाउट में ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर आगे क्लियरिटी देने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए क्या प्रोसीज रही है। अब यहाँ पर BSF हेड कांस्टेबल ROR 2020 में क्या प्रोसीज रही है फ्रेंड, इससे पहले हमने कुछ एनालिसिस किया था, उसमें भी काफ़ी बच्चों का प्यार मिला। अब देखते हैं यहाँ पर टोटल जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स दिया है वे कितने बच्चे थे, यहाँ पर 3500 बच्चे, ठीक है। यानी कि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि यहाँ पर 3400 के अप्रोक्स यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर 3500 के अप्रोक्स यहाँ पर बैठे हैं, कम या ज़्यादा हो सकता है, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर RO के लिए 1000 बच्चे और यहाँ पर RM के लिए 2500 बच्चे, कहने का मतलब 3500 बच्चे यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में बैठे थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए 10% ऐसे बच्चे होंगे दोनों में जहाँ पर नो एक्सेप्टेड 38% और 33%, जिन्होंने 38% और 33% को भी पास नहीं किया होगा, कहने का मतलब एग्ज़ाम से पहले जब हमारा फरवरी को एग्ज़ाम था फ्रेंड्स, तो उसमें काफ़ी बच्चे परेशान थे कि हमारा क्या होने वाला है, या हमारे अच्छे से तैयारी नहीं हुई है, हमें ये नहीं पता कि क्या आने वाला है सिलेबस, तो बहुत से बच्चे परेशान थे, कहने का मतलब 10% यहाँ पर बच्चे 38% और 33% को छू भी नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 10% बच्चे ऐसे थे फ्रेंड्स जो बहुत RO और RM में दोनों में सम्मिलित हुए थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए RO और RM में देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर 5-5%, यानी कि जब 10% दोनों में सम्मिलित है फ्रेंड्स, RO में हमने 5%, RM में भी 5% लिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब 10% तो ऐसे बच्चे जो नहीं छू पाएंगे, 5% जो दोनों में सम्मिलित है, तो फ्रेंड्स 15% हो चुका है यहाँ पर RO के लिए। यहाँ पर 15% 1000 का कितना, 150 बच्चे, और यहाँ पर RM में कितना, 375 बच्चे, ठीक है। टोटल मिलाने के साथ साथ कितना हो जाता है, 525 बच्चे यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। तो टोटल लिया हमने केवल 500 बच्चे, ठीक है। 500 बच्चे फ्रेंड्स यहाँ पर डिस्क्वालीफाइड होने की पोजीशन में बन जाते हैं, और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं 3500 में से 500 बच्चे यहाँ पर घटा लीजिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 3000 बच्चे, यानी कि 3000 बच्चों की तादाद बन जाती है। और फ्रेंड्स ये जो दोनों में सम्मिलित है, ये केवल हमने रेशियो घटाया है, ये डिस्क्वालीफाइड नहीं हुए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर 3000 बच्चे, जो 3000 बच्चे हैं फ्रेंड्स, इनमें से 40% बच्चे जो हमने सबसे स्टार्टिंग में बताया पोस्ट के अनुसार, उसमें 40% बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम में है और डाउट में है, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं फ्रेंड्स इनको डाउट बना है, इनको पास होने के चांस यहाँ पर नहीं बनते, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जब 40% 3000 का 40% निकाल ले जाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कितना हो जाता है, 1200 बच्चे, ठीक है। अब बैलेंस बच्चे कितने बैठ जाते हैं यहाँ पर, 3000 में से यहाँ पर 1200 घटा दीजिए फ्रेंड्स, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 1800 बच्चे बैठ जाते हैं टोटल, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर क्या प्रोसीज रहने वाली है।
डिपेंडिंग पॉइंट, यानी कि डिपेंडिंग पॉइंट कौन कौन से रह सकते हैं फ्रेंड्स, इस भर्ती में कौन कौन से पॉइंट इफेक्टिव रह सकते हैं। जैसे कि एक्स्ट्रा भर्ती पर हमारे 5% बच्चे यहाँ पर इफेक्ट डालते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा भर्ती पर भी डिपेंडिंग रहते हैं 5% बच्चे, जो कि इसमें से कट हो जाएंगे। कहने का मतलब इसके रेशियो को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और 5% बच्चे ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़्यादा भी हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये डाटा हमारा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, नथा लगभग हमारा जो एनालिसिस है फ्रेंड्स वो इसी अकॉर्डिंग चलता रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं 20% यदि 20% यदि बच्चे मेडिकल में डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं फ्रेंड्स, यानी कि 20% ने बहुत कम लिया है, ये 30% और 40% तक भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर BSF हेड कांस्टेबल कुछ बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पर मेडिकल काफ़ी ईजी होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ईजी नहीं होता, यहाँ पर मॉडरेट लेवल का काफ़ी अच्छा स्टेट पुलिस से काफ़ी अच्छा होता है और आर्मी से थोड़ा सा कम होता है। कहने का मतलब मॉडरेट लेवल का यहाँ पर होता है, ठीक है। यानी कि 20% लिया हमने, 20% से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मेडिकल होगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जो रेशियो निकल कर आता है फ्रेंड्स उस रेशियो से ये आता है कि वैकेंसी यहाँ पर पूरी फिलअप नहीं होगी। अब देखते हैं यहाँ पर 20% बच्चे ऐसे भी होंगे जहाँ पर 38% के नियरेस्ट, यानी कि नियरेस्ट होंगे, यानी कि जो हमारे 76 नंबर है फ्रेंड्स उसके नज़दीक होंगे, 76.5 नंबर होंगे या फिर 77 नंबर 78 नंबर के आसपास भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स सभी का टोटल मिलाने के साथ साथ यहाँ पर कितना हो जाता है, 50% यहाँ पर बच्चे डिस्क्वालीफाइड होने की पोजीशन में बन जाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को ये डाटा हमारा थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन कुछ को अच्छा भी लगेगा। तो फ्रेंड्स जो क्लियरिटी है 2016-17 को देखते हुए यहाँ पर ये डाटा तैयार किया गया है, और वर्तमान की स्थिति को जानते हुए भी ये डाटा तैयार किया गया, ठीक है। और जिसमें 95 एक्यूरेसी के साथ सच्चाई भी सम्मिलित की हुई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं सारी बातें आपके अकॉर्डिंग ही, आपके अकॉर्डिंग आपकी वोट के अनुसार आपके जो परसेंटेज निकल कर रहे हैं फ्रेंड्स उसी के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है, अपनी तरफ से कोई बात यहाँ पर सम्मिलित नहीं की गई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए 1800 का 50% कितना निकल कर आता है, 900 बच्चे, यानी कि 900 स्टूडेंट यहाँ पर फाइनल बैठ जाते हैं, जिनका सिलेक्शन होने के चांस यहाँ पर बन जाते हैं फ्रेंड्स। यदि मेडिकल में प्रोसीज थोड़ी सी उतार चढ़ाव वाली रही, तो कहने का मतलब यहाँ पर यदि मेडिकल में प्रोसीज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई है फ्रेंड्स, यानी कि 20% से 30% या 40% तक चला गया फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब हमने यहाँ पर लिया है केवल मेडिकल 30% या 40% ले लीजिए फ्रेंड्स। यदि इस पोजिशन में रहा है तो फ्रेंड्स यहाँ पर 600 से 800 के अप्रोक्स यहाँ पर भर्ती में जो वैकेंसी है फिलअप होने के चांस बनते हैं। तो कहने का मतलब वैकेंसी कितनी यहाँ पर 1248 वैकेंसी है, 1248 वैकेंसी में यदि 600 से और 800 के अप्रोक्स यहाँ पर भर्ती हो जाती है फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब यानी कि 500 के अप्रोक्स यहाँ पर वैकेंसी खाली जाने के चांस बन सकते हैं, ठीक है। यानी कि वैकेंसी 1248 होते हुए भी फ्रेंड्स और बच्चे इतने 3500 के अकॉर्डिंग होते हुए भी यहाँ पर वैकेंसी खाली जाने के चांस बनते हैं। खाली जाती है फ्रेंड्स सभी भर्तियों में जाती है, कुछ थोड़ी बहुत जाती है लेकिन किसी में कुछ ज़्यादा चली जाती है, तो कहने का मतलब यहाँ पर वैकेंसी पूरी भरने के चांस नहीं लगते। 600 से 800 के बीच में यहाँ पर वैकेंसी भरने के चांस लगते हैं, और यदि ये डाटा थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हुआ तो फ्रेंड्स ये हमारी संख्या घटी भी जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है। तो कहने का मतलब 600 की जगह 700 भी हो सकता है और यहाँ पर 800 की जगह 900 या 1000 भी हो सकता है, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कहना संभव नहीं है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स का रिजल्ट यहाँ पर 20 मार्च को आने के चांस यहाँ पर लगते हैं। और जैसे ही डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स का रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स, यदि रिजल्ट में काफ़ी प्रॉब्लम बनी बच्चों को, यानी कि क्वालिफाइड नहीं कर पाए, तो फ्रेंड्स ये डाटा हमारा सब अधूरा का अधूरा रह जाएगा, यानी कि इससे कम भी रेशियो आ सकता है, यानी कि इससे कम भी बच्चे यहाँ पर क्वालिफाइड हो सकते हैं, वैकेंसी ज़्यादा भी वापस जा सकती है। लेकिन अभी कुछ कहना संभव नहीं है, उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पर जो बच्चों का रेशियो निकल कर आ रहा है वो लगभग डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स में यहाँ पर 2000 से नीचे ही पास होने के चांस बनते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ जानकारी जो बच्चों को देनी अति आवश्यक थी। यहाँ पर मेन उद्देश्य है केवल बच्चों को क्लियरिटी देना, और क्लियरिटी देने के साथ साथ लाइक और डिसलाइक से मतलब नहीं है फ्रेंड्स, हमें केवल यहाँ पर बच्चों को थोड़ी सी क्लियरिटी देने की कोशिश की है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनते हैं, प्लस आज हमसे जुड़ जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।